उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबोहवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार, मुख्यमंत्री समेत तमाम पार्टी नेताओं का दावा, नहीं दिया इस्तीफा, डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, जोशीमठ का नाम बदलने का ऐलान, ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा जोशीमठ, जल्द जारी होगा आदेश। चमोली में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में सीएम धामी का दावा, उत्तराखंड में फिर खिलेगा कमल, भाजपा को मिल रहा जनता का भरपूर समर्थन। और कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनावी तैयारियों पर लेंगे फीडबैक, भाजपा संगठन की टटोलेंगे नब्ज। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले बात करेंगे सियासत की। कल देर रात से भाजपा में मचे घमासान को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हरक सिंह रावत के इस्तीफे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। हालांकि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के तमाम नेता इस्तीफा ना देने का दावा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी को दूर भी कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस्तीफे की बात से खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक परिवार है, नाराजगी चलती रहती है जिसे दूर कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अभी तक हरक सिंह रावत का कोई बयान सामने नहीं आया है, उनके बयान का सभी को इंतजार है। मनीष, इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस मामले पर अपनी नजरें बनाए रखिए, आप आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। इस तरह जिस तरह से बीजेपी में घमासान मचा हुआ है, इस पूरे घमासान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि भाजपा की हालत बेहद खराब हो चुकी है, नेता मंत्री विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं और बहुत जल्द भाजपा सरकार के कई विधायक पार्टी छोड़ने का भी काम करेंगे। देखिए, हरक सिंह ही नहीं, कई अन्य सिंह भी वहाँ बहुत नाराज हैं, कई विधायक नाराज हैं, मंत्री नाराज हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से हो, चाहे पार्टी में उपेक्षा को लेकर हो, नाराज चल रहे हैं और वो क्या गुल खिलाएंगे ये समय आने पर पता चलेगा। बीजेपी में हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर चल रहे सस्पेंस की कहानी असल में शुरू कहां से हुई, ये जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। अपने इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि कल तक विपक्ष पर निशाना साध रही बीजेपी में शुक्रवार देर शाम से शुरू हुई घमासान को आधी रात होते होते कैसे बीजेपी ने मैनेज किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
शुक्रवार पूरे दिन कांग्रेस में चल रहे सियासी घसान पर शाम होते होते तस्वीरें साफ हुई तो देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा के बीच अचानक कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की चर्चा सूत्रों के हवाले से छनकर बाहर आई और आते आते सोशल मीडिया पर हरक सिंह रावत समेत विधायक उमेश शर्मा काओ के इस्तीफे की चर्चाओं ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। हालांकि उमेश शर्मा काओ के इस्तीफे की चर्चाएं तो ठंडी पड़ गई, लेकिन हरक को लेकर माहौल सर्द मौसम में गर्मा गया। कैबिनेट के अंदर की कहानी को देखा जाए तो कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर हरक और मंत्रियों के बीच चर्चा में बहस ने जोर पकड़ लिया और इस बीच हरक के इस्तीफे दिए जाने की खबर जगजाहिर हो गई। हरक की नाराजगी को थामने के लिए देर रात तक मान मनोबल का दौर चलता रहा। इसके बाद खबर आई कि रात करीब 12 से 1 बजे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि हरक की नाराजगी को दूर कर दिया गया है। लेकिन रात में ही गोपेश्वर गए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आनन फानन में देहरादून पहुंचते हैं तो वहीं राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के भी हस्तक्षेप की बात सामने आने लगी और एट द एंड बीजेपी की तरफ से हरक सिंह रावत के इस्तीफे के स्टेटमेंट का खंडन कर दिया गया। रात तक चले सियासी घटनाक्रम के बीच दिन का सूरज निकला और मीडिया में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बयान दिया कि हरक सिंह रावत ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम धामी ने कहा कि एक परिवार में लोगों के बीच नाराजगी होती है जिसे दूर भी कर लिया जाता है। पूरे दिन मीडिया के कैमरे हरक सिंह रावत के बयान या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आने के इंतजार में रहे, लेकिन हरक सिंह रावत ना तो खुद कैमरे के सामने आए और ना ही उनका कोई बयान क्रिया मीडिया में आई है। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है और ये सवाल तब तक उठते रहेंगे जब तक खुद हरक सिंह रावत मीडिया में आकर अपने इस्तीफे की चर्चाओं से पर्दा नहीं उठाते। बहरहाल ऐसे में इंतजार के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कोई नेता अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है तो कभी कोई मंत्री अपने दल में वर्चस्व को लेकर भी सियासी दांवपेच चल रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद भाजपा में जिस तरह से उथल पुथल मची उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के महासंग्राम से पहले ही सियासत अपने उफान पर है। कांग्रेस में हरदा के ट्वीट बयानों के बाद गरमाई सियासत ठंडी पड़ी ही थी कि इतने में भाजपा में माहौल गर्मा गया। कैबिनेट बैठक के बाद बीजेपी में जो हलचल पैदा हुई उसने रातों रात सबकी नींद उड़ा दी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के साथ ही विधायक उमेश शर्मा काओ के इस्तीफे की खबरों ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी। ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। नहीं, जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, उसमें हम लोग धनराशि जारी कर रहे हैं। हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि कुछ धनराशि जारी करेंगे। हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करते हैं। केवल वो एकदम उठ के उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करके निकल गए। निश्चित रूप से उनका एक जो उनका ये संदेश मिला है 5 करोड़ वाला की नाराजगी है उनकी, तो सरकार इसमें निश्चित रूप से हरक सिंह जी की भावनाओं का समादर करेगी। मनाने वाले को देखे, ये कोई भला आपका कोई रूठा नहीं है, ये नाराजगी उन्होंने अपने क्षेत्र में काम को लेकर दिखाई है और ये कोई किसी तरह का संकट नहीं है, कोई किसी तरह की कोई छोड़ने नहीं जा रहा है। इस सियासी उठापटक के बीच ये मायने निकाल रहे हैं कि राजनीति में हर कोई अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव जरूर चलता है, या यूं कहिए कि सियासत में अपना कद याद दिलाने की सबकी अपनी अपनी तरकीबें हैं। हरक सिंह रावत ने भी राजनीतिक रणनीति का वही पाठ दोहराया है जो उन्होंने अपने सियासी पुरखों से सीखा। हरक का कैबिनेट की बैठक में नाराज होना ना सिर्फ सरकार बल्कि संगठन के लिए भी बड़ा संदेश माना जा सकता है।
ये बात भी रखनी होगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 दिसंबर को खुद उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि हरक सिंह रावत की नाराजगी का एक बड़ा हिस्सा पुराना है और पिछले 5 सालों से वो इसे अपने सीने में दबाए बैठे हैं। गुरुद्वार मेडिकल कॉलेज का सहारा मिला तो वो फूट पड़े, फिर पार्टी में सम्मान न मिलने का दर्द भी वो कई बार जाहिर कर चुके हैं। 2022 का चुनावी मुकाबला वाकई दिलचस्प होने वाला है। चुनाव से पहले ही जो धुरंधर पहले ही परिणाम का अनुमान घोषित कर देते थे, वो भी इस बार असमंजस की स्थिति में है। अब देखना यही होगा कि प्रेस पॉलिटिक्स का ये दाव किस हद तक काम करता है और 2022 के इस महायुद्ध से पहले राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलेगा। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2022 का समय शुरू होने से पहले बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में रोटे मनाने का सियासी खेल चल रहा है। कांग्रेस में हरदा के ट्वीट ने सियासी भूचाल ला दिया तो कैबिनेट में हरक सिंह रावत के इस्तीफे की धमकी से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इन सब के बीच देखा जाए तो हरक सिंह रावत की ये नाराजगी कोई नई नहीं, बल्कि नाराजगियों से हरक सिंह रावत का पुराना ताल्लुकात रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाराजगियों से ताल्लुक नया नहीं, असल में पुराना हो चला है। दरअसल एनडी तिवारी सरकार को लेकर हरक ने खुद खुलासा किया था कि वो सरकार को गिराने की तैयारी में थे। कांग्रेस में रहते हुए उनकी नाराजगी आए दिन सामने आती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से हरक सिंह रावत इस कदर नाराज हो गए थे कि उन्होंने सरकार को ही संकट में डाल दिया था, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन तक लगाना पड़ा। हालांकि बाद में हरीश रावत सीएम के तौर पर फिर बहाल हो गए। हरक सिंह रावत इसी सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी नाराज हो गए। उनकी नाराजगी इस कदर बढ़ी कि त्रिवेंद्र ने सीएम रहते उनको श्रम कर्मकार कल्याण बोर्ड से ही चलता कर दिया। इसी साल जुलाई में सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के समय भी हरक सिंह रावत रूठ गए। उनकी नाराजगी काम आई और उनको ऊर्जा जैसे बड़ा मंत्रालय मिल गया। इस बार हरक की नाराजगी मेडिकल कॉलेज नहीं बनने को लेकर थी। हरक जब भी नाराज होते हैं उनको कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलता है। कैबिनेट ने उनके प्रस्ताव पर मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान तो कर दिया, लेकिन गेंद अब केंद्र के पाले में है। हरक के मेडिकल कॉलेज के सपने का पूरा होना इतना आसान नहीं है, इसके लिए सरकार को नियमों में बदलाव करना होगा। बड़ा सवाल ये है कि चुनाव से ठीक पहले सरकार ये कैसे करेगी, इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका है। हरक केवल रूठते ही नहीं कसमें भी खाते हैं। हरक ने एक बार धारी देवी में जाकर ये कसम खाई थी कि वो कभी मंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन हुआ क्या, हरक फिर से मंत्री बने और अपना कार्यकाल भी पूरा किया। इसी सरकार के कार्यकाल में हरक ने ये भी कहा था कि वो कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद बयान को दूसरे तरीके से जाहिर कर दिया कि उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरक सिंह रावत का भरोसा कम है। कब रूठते हैं और कब मान जाएंगे ये केवल वही जानते हैं। उनके रुकने की टाइमिंग और फिर मान जाने की टाइमिंग भी खास होती है। एक बात तो साफ है कि इस सरकार में हरक सिंह रावत की हनक कुछ खास नहीं चली। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। चमोली के नंदानगर में आयोजित बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से दावा किया है कि बीजेपी को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रदेश में एक बार फिर से कमल ही खिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े लगातार फैसले ले रही है। आपको बता दें कि भाजपा इस यात्रा के जरिए राज्य सरकार और केंद्र की सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी अपने घोषणा पत्र के लिए भी जनता से रायशुमारी कर उनके सुझाव ले रही है। वहीं पौड़ी में पहुंची भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा शामिल हुए, जहां मंच से भाजपा नेता ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कमल खिलाने के लिए जनता से अपील की है। वही चमोली दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ करने की बड़ी घोषणा की है। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। वहीं सीएम धामी ने चर्चित नंदप्रयाग घाट
डेढ़ लेन सड़क का भी शिलान्यास किया है। सड़क के लिए घाट में 100 से अधिक दिनों तक आंदोलन भी चला था। सड़क की मांग को लेकर इसी साल गैरसैंण सत्र के दौरान लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ था। मुख्यमंत्री ने सड़क के लिए हुए आंदोलन के दौरान सभी दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने घाट में 56,93,00,000 की 16 योजनाओं का भी शिलान्यास किया है, जिसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई और पर्यटन से जुड़ी कई योजनाएं शामिल है। 26 दिसंबर यानी कि कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनके कार्यक्रम को लेकर भाजपा ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दौरे के दौरान संगठन के पदाधिकारियों के साथ 70 विधानसभाओं को लेकर मंथन करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कई कार्यक्रम है संगठनात्मक दृष्टि से, वो सारे कार्यक्रम जो हमारे विधानसभाओं के पूर्णकालिक हैं, जो विधानसभाओं में प्रवासी हैं, जो विधानसभाओं के हमारे प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, सभी 70 विधानसभाओं के एक व्यवस्था का रूप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठकर और अपने विधानसभाओं के आधार पर हमें क्या रणनीति और बनाना, इस पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस में मचे घमासान पर विराम लगने के बाद उत्तराखंड पहुंचे हरीश रावत का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली से लौटते समय हरीश रावत का उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान हरीश रावत के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि हरीश रावत को 2022 के विधानसभा चुनाव को लीड करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में अपना वर्चस्व रखने वाले हरीश रावत ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि कांग्रेस के लिए अब हरदा जरूरी हो गए हैं और मजबूरी भी। तभी तो प्रदेश की राजनीति में बिना हरदा के कांग्रेस का सियासी भविष्य अब नामुमकिन सा लगता है। इस बात का इल्म हाईकमान को भी है, तभी उत्तराखंड चुनाव को लीड करने के लिए हरदा को फ्री हैंड कर दिया है। अपने सोशल मीडिया संदेशों से उत्तराखंड से दिल्ली तक की सियासत को हिलाने का मादा रखने वाले हरदा ने अपने तल्ख तेवरों और सधे हुए बयानों से कांग्रेस में खुद को साबित कर दिखाया कि बिना हरदा के साथ प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति को सोचना भी अब नामुमकिन सा लगता है। राज्य गठन के बाद से प्रदेश में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ, तभी से हरदा पार्टी संगठन में अपनी मजबूत पकड़ रखते हुए अपने धुर विरोधियों को चित करते आए हैं। अपनी सदी हुई राजनीति से उन्होंने पार्टी को कई मोर्चों पर संभाला है, तो 2017 में पार्टी को हुए भारी नुकसान से उभारने का भी काम किया है। पिछले कुछ समय से अपनी सक्रिय राजनीति से हरदा ने एक बार लोगों के बीच कांग्रेस की ताकत को सामने लाकर ये उम्मीद कायम की है कि 2022 में पार्टी दोबारा राज्य की सत्ता में काबिज हो सकती है। हालांकि इस बीच उनकी राह में रोड़े बने कुछ पार्टी नेताओं ने पार्टी को दो खेमे में बांटने से भी गुरेज नहीं किया। चुनाव के ऐन मौके पर हरदा के सियासी तीर से निकले वार से पार्टी नेताओं को भी हरदा के सियासी कद का एहसास हो गया है। बिना हरदा के कांग्रेस का उत्तराखंड में भविष्य ना के बराबर है, लिहाजा हाईकमान ने भी हरदा को अब फ्री हैंड कर चुनावी कमान उनके हाथों में सौंप दी है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के लिए हरदा जरूरी भी हो गए हैं और मजबूरी भी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। नैनीताल में भाजपा महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कैलाश पंत ने कहा कि मात्र शक्ति ही वो शक्ति है जो दशा और दिशा दोनों को बदल सकती है। और आज 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी दृष्टि से आज नैनीताल जिले के नैनीताल विधानसभा का महिला सम्मेलन रखा गया है और ऐसे ही हमने 70 विधानसभाओं में 70 हमारे महिला सम्मेलन होने हैं। नए साल की तैयारियों को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। देहरादून एसपी सिटी सरिता डोवाल ने बताया कि आने वाले दिनों में भीड़ अधिक हो सकती है, जिसे लेकर ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जाएगा।
ये जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक को लेकर के आने वाले दिनों में जो भीड़ रहेगी या उस चीज़ को लेकर के हम लोगों ने ट्रैफिक प्लान भी बनाया हुआ है। वहाँ पर से हम लोगों ने डाइवर्जन करने हैं, फ्लेक्सी और बैनर्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा जो स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहाँ पर ट्रैफिक जाम की संभावना रहती है वहाँ पर हम लोग डिप्लॉयमेंट करें। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। मुझे दे इजाजत, नमस्कार। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री समेत तमाम पार्टी नेताओं का दावा, नहीं दिया इस्तीफा, डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा। सीएम धामी की बड़ी घोषणा, जोशीमठ का नाम बदलने का ऐलान। ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा जोशीमठ, जल्द जारी होगा आदेश। चमोली में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में सीएम धामी का दावा, उत्तराखंड में फिर खिलेगा कमल, भाजपा को मिल रहा जनता का भरपूर समर्थन। और कल उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनावी तैयारियों पर लेंगे फीडबैक, भाजपा संगठन की टटोलेंगे नक्शा।